आरपीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। तो आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों रियलमी से। फिर रियलमी ने फाइनली रियलमी 12 5G ये जो स्मार्टफोन जिसे लॉन्च कर दिया है भारत में। और ये स्मार्टफोन के अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो 6.72 इंच की हमें एपर्चर रिफ्रेश डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। IPS LCD डिस्प्ले वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ। MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट की हमें ताकत देखने को मिल जाएगी। 108+2 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप होगा, हालांकि 8 मेगापिक्सल का हमें फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। 5000 mAh की बैटरी, 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, ब्लूटूथ 5.3, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। और यही स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें तो ये स्मार्टफोन में हमें दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जहां पर जो बेस वेरिएंट है वो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, जिसकी प्राइस 16,999 रुपए है। हालांकि इसका जो हायर वेरिएंट है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, जिसकी प्राइस 17,999 रुपए है। जी हाँ, वैसे दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइए। Xiaomi की बात करें दोस्तों, Xiaomi ने Xiaomi 14 सीरीज को लॉन्च कर दिया है फाइनली, जहां पर Xiaomi 14 अल्ट्रा जो कि मेरा पसंदीदा स्मार्टफोन है जिसकी काफी अच्छी प्राइस रखी हुई है Xiaomi ने। आज बात करने वाले दोस्तों Xiaomi 14 स्मार्टफोन की। ये भी एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है दोस्तों। वैसे ये स्मार्टफोन की अगर स्पेक्स के बारे में बात करें, 6.36 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आने वाली हमें AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट की ताकत देखने को मिल जाएगी। 50+50+50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, हालांकि 32 मेगापिक्सल का हमें फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। 4610 mAh की बैटरी होने वाली है, वो भी 90 वॉट के वायर्ड फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, हालांकि 50 वॉट का हमें वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। वैसे दोस्तों इसके अलावा हमें और भी ये स्मार्टफोन में फीचर्स देखने को मिलने वाले, लाइक Wi-Fi 7, NFC, IP68 की रेटिंग, IR ब्लास्टर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट भी मिलने वाला है। वैसे दोस्तों यही स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें तो ये भी स्मार्टफोन में हमें सिर्फ केवल एक ही वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, जो कि 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ आएगा, जिसकी प्राइस 69,999 रुपीज रखी हुई है। जी हाँ, वैसे दोस्तों अगर आपके पास ICICI बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है या फिर आप EMI वगैरह भी करवाना चाहते हो इसी कार्ड से, तो आपको 5,000 रुपीज तक का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन का फर्स्ट सेल 12 मार्च से शुरू होने वाला है, तो अगर आपको चाहिए ये स्मार्टफोन तो ये आपको देखने को मिल जाएगा Xiaomi इंडिया जो कि उनकी खुद की वेबसाइट है, वहां पर, Amazon पर, Flipkart पर या फिर Xiaomi के जितने भी नजदीकी ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं, रिटेल स्टोर्स, वहां पर भी जाकर आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। OnePlus की बात करते हैं दोस्तों, OnePlus 12 ये स्मार्टफोन अगर आपके पास है, फाइनली OnePlus 12 स्मार्टफोन में काफी अच्छी अपडेट देखने को मिल जा रही है, जहां पर दोस्तों पोर्ट्रेट मोड को इम्प्रूव किया गया है, नेटवर्क की जो स्टेबिलिटी है जिसे भी इम्प्रूव किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों जब आप फोटो वगैरह कैप्चर करते हो वहां पर कलर एक्यूरेसी को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया गया है। वाओ, वैसे दोस्तों इसके अलावा NFC को भी इम्प्रूव किया गया और इसके अलावा और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं यही अपडेट के साथ। तो दोस्तों अगर आपके पास है ये स्मार्टफोन तो जरूर से सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए और आपको जो नए फीचर्स देखने को मिल जा रहे हैं आप उसका जरूर से बेनिफिट लीजिए। बोल्ट की बात करें दोस्तों, भाई बोल्ट ने अपने नए TWS को लॉन्च कर दिया है भारत में, जिसका नाम है Z40 अल्ट्रा। और ये TWS के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों 10mm के में ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, वॉइस असिस्टेंट, IPX5 की रेटिंग, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट, फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, गेमिंग के लिए लो लेटेंसी मोड दिया गया है, क्वाड माइक विद ENC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग एंड 100 आवर्स का प्ले टाइम भी देखने को मिल जाता है। और ये TWS की अगर कीमत की बात करें तो इसकी जो प्राइस वो रखी है भारत में 1,999 रुपए। वैसे दोस्तों अगर आप यही TWS को परचेस करना चाह रहे हो तो बोल्ट की जो कि उनकी खुद की वेबसाइट है वहां पर, या फिर आप इसे जरूर से Amazon पर चेकआउट कर सकते हो। Sennheiser की बात करते हैं दोस्तों, जो कि जानी मानी ऑडियो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, भाई इन्होंने अपने नए हेडफोन को लॉन्च कर दिया है भारत में, Sennheiser Accentum
और वैसे ये जो हेडफोन है जिसके अगर फीचर्स के बारे में बात करें तो ये 50 आवर्स का हमें प्ले टाइम देखने को मिल जाता है। टाइप सी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। वैसे इसके अलावा दोस्तों ब्लूटूथ वर्जन 5.2 सेनहाइजर स्मार्ट कंट्रोल ऐप का सपोर्ट भी मिलेगा, जो कि ये जो ऐप है वो एंड्रॉइड एंड आईओएस दोनों डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, जहां पर दोस्तों आप और भी ज्यादा कस्टमाइजेशन कर पाओगे। वैसे दोस्तों ये जो हेडफोन है जिसकी जो प्राइस है वो रखी है भारत के लिए 11,990 रुपए। वैसे दोस्तों ये जो हेडफोन है वो उनकी खुद की ही वेबसाइट पर प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल हो चुका है, तो अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से प्री ऑर्डर कर सकते हो। सैमसंग की बात करें दोस्तों, सैमसंग ने अपना एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है भारत में, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M40 4G। जी हाँ, और इस स्मार्टफोन के अगर स्पेक्स के बारे में बात करें तो 6.7 इंच के एफएचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, हालांकि ये IPS LCD डिस्प्ले होने वाली है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। 50+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, हालांकि 13 मेगापिक्सल का हमें फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। 5000mAh की बैटरी, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। वैसे दोस्तों यही स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें तो ये स्मार्टफोन के में दो वेरिएंट देखने को मिलने वाले, जहां पर जो बेस वेरिएंट है जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आएगा, जिसकी प्राइस रखी है 8,499 रुपए। हालांकि जो हायर वेरिएंट है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, जिसकी प्राइस रखी है 11,499 रुपए। जी हाँ, वैसे दोस्तों अकॉर्डिंग टू माई व्यू ये जो स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट जिसकी जो प्राइस है उसमें कुछ हम 500 से 1,000 रुपए को प्लस कर दे वे काफी अच्छा 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, तो वे 4G स्मार्टफोन को लेना ही क्यों? आपकी क्या सोच है इसके बारे में कमेंट में जरूर से बताइए। Realme की बात करें दोस्तों, Realme Narzo 70 Pro 5G ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है भारत में, एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसी मंथ हमें देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन की काफी सारे फीचर्स की जो लिस्ट है वो Realme ने खुद से टीज कर दिए। वे ग्लास बैक पैनल होने वाला है ये स्मार्टफोन में, साथ ही साथ OLED डिस्प्ले का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीजें। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन की प्राइस कही जा रही है हमें भारत में देखने को मिल जाएगी 30,000 रुपीज के आसपास। जी हाँ, अब देखते हैं दोस्तों Realme की ओर से स्मार्टफोन कितनी ही जल्दी हमें देखने को मिल जाता है, इसे किस कीमत पे लॉन्च किया जाता है इस बात का इंतजार है। Samsung की ओर से एक और खबर आ रही है दोस्तों, Samsung Galaxy M15 5G ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी दस्तक देने वाला है भारत में। जी हाँ, क्योंकि ये स्मार्टफोन Google Play कंसोल डिवाइस लिस्ट पर आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले ये स्मार्टफोन ऑलरेडी मल्टीपल सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर आ चुका है, एज वेल एज इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी स्पॉट किया जा चुका है, जहां से दोस्तों पता लग रहा है कि ये जो स्मार्टफोन आएगा तो इसमें हमें MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट देखने को मिलने वाली है, 4GB रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाता है, इसे किस कीमत पे लॉन्च किया जाता है सैमसंग की ओर से, इस बात का इंतजार है। काम की डील की बात करें दोस्तों, अगर आपको चाहिए एक बेहतरीन TWS वो भी कम कीमत में, वो भी अच्छी ब्रांड का, तो ये जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। दोस्तों Realme की ओर से हमारा Realme Tech Live Buds T100 TWS अभी फिलहाल आपको काफी कम कीमत में Amazon पर देखने को मिल रहा है, और यही TWS के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो 10mm के में डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, टाइप सी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ दोस्तों आपको कॉल्स के लिए AIMC का सपोर्ट, 28 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिल जाता है, IPX5 की रेटिंग भी मिलती है, गेमिंग के लिए लो लेटेंसी मोड भी दिया गया है, और ये जो TWS है जिसमें आपको एक साल की वारंटी भी देखने को मिल जाती है। और क्या चाहिए, और यही TWS की अगर कीमत की बात करें तो ये अभी आपको Amazon पर देखने को मिल जा रहे सिर्फ 1350 रुपए में, वैसे काफी बेहतरीन डील है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें दोस्तों, PS5 पर ऐसे ऐसे टाइटल्स आते हैं ना दोस्तों कि भाई मन होता है कि भाई ये गेम हमें PC पर देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में दोस्तों में Marvel Spider-Man 2 ये जो गेम है PS5 एक्सक्लूसिव देखने को मिली है, काफी बेहतरीन टाइटल है, टॉप रेटेड ये टाइटल है, पर ये जो टाइटल है वो हमें PC पर पोर्ट होते हुए देखने को मिलेगा या नहीं, इस बात पर अभी भी फिलहाल कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक काफी बेहतरीन टाइटल है Ghost of Tsushima डायरेक्टर कट्स, जो कि ये गेमिंग टाइटल भी PS5 एक्सक्लूसिव था, पर अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है कि भाई ये जो गेमिंग टाइटल है वो PC पर भी आ रहा है 16 मई को। जी हाँ, ये डेट पर ही रिलीज होगा। वैसे दोस्तों आप हमें ये बताइए भी PS5 पर कौन सा ऐसा गेमिंग टाइटल है
जो कि आप चाहते हो कि इसे पीसी पर भी पोर्ट किया जाए, कमेंट में जरूर से बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।